उनके
दुनियाओं की कथा सुनाई और आज मैं भक्त ध्रुव की कथा सुना रहा हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित स्वयंभू मनु और देवी चित्रूपा से तीन बालिका देवहूति आकुति और प्रसूति का जन्म हुआ और दो बालक उत्तानपाद और प्रियव्रत का जन्म हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजा स्वयंभू मनु ने अपनी देवहूति नाम की कन्या कर्दम ऋषि को ब्याही, जिनके यहाँ नौ कन्याएं जो जोधा भक्ति के रूप में प्रकट हुई और दसवीं स्वयं भगवान कपिल देव के रूप में प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं, जिन्होंने माता देवहूति को शंख युग का ज्ञान दिया और दूसरी कन्या का विवाह देवी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ भगवान के अंश से यज्ञ भगवान का जन्म हुआ और माता लक्ष्मी के अंश से एक कन्या दक्षिणा का जन्म हुआ। स्वयंभू मनु ने तीसरी कन्या का विवाह देवी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया, जिनके यहाँ 16 कन्याएं जन्म लेती हैं और तेरह कन्याओं का विवाह अग्नि के साथ, 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ, एक अग्नि के साथ, एक पितरों के साथ और एक भगवान भोलेनाथ के संग हुआ। शिवजी जी कहते हैं राजा परीक्षित स्वयंभू मनु के जो उत्तानपाद नामक पुत्र थे उनकी दो रानियां थी सुरुचि और सुमिति। उत्तानपाद देवी सुरुचि को ज्यादा प्रेम करते थे और भगवत कृपा से माता सुरुचि ने उत्तम नाम के बालक को जन्म दिया और जो माता सुनीति थी उन्होंने ध्रुव को जन्म दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे और एक दिन ध्रुव जी महाराज जो केवल 5 वर्ष की आयु है अपने पिता को देखते हैं कि उत्तम उनके जो छोटे भाई हैं उनको लाठी लगा रहे हैं, उनसे प्रेम कर रहे हैं। उस दृश्य को देखकर ध्रुव जी महाराज आगे बढ़ते हैं और जाकर अपने पिता की गोद में बैठ जाते हैं। कहते हैं सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जैसे ही सुरुचि ने देखा कि उत्तानपाद की गोद में ध्रुव जी महाराज बैठे हैं, दौड़ कर जाते हैं और ध्रुव जी को पिता की गोद से अलग कर देती है, उन्हें फटकारने लगी, डांटने लगी। ध्रुव जी से कहती है ये बालक यदि तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें हमारे गर्भ से जन्म लेना होगा, ये बालक तुम जाकर वन में तपस्या करो और यदि तुम्हारी तपस्या से तुम्हारी पूजा पाठ से प्रभु प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि मेरा जन्म माता सुरुचि के गर्भ से हो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित आज सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से भी महान माना है और ध्रुव जी को डांट कर वहां से भगा देती है। ध्रुव जी रोते रोते अपनी माता के पास जाते हैं। माता सुनती से कहने लगी है माँ आज छोटी माता ने मुझे बहुत डांटा है और वो कह रही थी कि तुम जाकर नारायण की तपस्या करो, उनकी पूजा करो। ध्रुव जी कहते हैं माता ये नारायण कौन है, जिन नारायण की पूजा के लिए छोटी माता ने कहा ये नारायण कहाँ रहते हैं, उनका रहने का स्थान कहाँ है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित माता सुनीति अपने बालक को हृदय से लगा लेती है और अपने बालक को रोते हुए दुख देखकर विलाप करने लगी, रुदन करने लगी और ध्रुव जी से कहती है बालक तुम्हारी छोटी माता ने सत्य ही कहा है कि तुम जाकर नारायण की पूजा करो, ये बालक यदि प्रभु आप पर प्रसन्न हो जाए तो पिता की गोद क्या परम पिता परमेश्वर की गोद मिल
जाएगी और एक बार